तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्य। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टेप्स होती हैं, जो हमारी सीढ़ियां होती हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। तो सीढ़ियों बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए सीढ़ियां बनाते समय, तो आज की वीडियो में आपको वही बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फ्रेंड्स नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पार्ट वन में बताया था स्लीपर कैसे डाला जाता है। तो पार्ट टू में मैं बता रहा हूँ कि आपको सीढ़ियाँ बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली सीढ़ी की। तो जो पहली सीढ़ी होती है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो ये पहली सीढ़ी। तो इस पहली सीढ़ी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा पर्स लेवल हम 3 इंच का रखते हैं, उस 3 इंच से हम आपको यहाँ पे लेवल कर लेना है यहाँ पे, और 3 इंच से आपको 5 इंच ऊपर उठाना है। 3 इंच छोड़ के आपको 5 इंच ऊपर उठाना है, और फिर आपको ये 5 इंच ऊपर उठाने के बाद ईंट लगा देनी है इस प्रकार से। तो ये पर्स लेवल से ये 5 लेवल आपको इंच ऊपर उठा देना है, और फिर इन ईंटों को इस प्रकार से लगाना है, यहाँ से ही बिल्कुल, यहाँ से आपको डोरी पकड़ के और उस फेस तक आपको बिल्कुल एक सीध में लगाना है, बिल्कुल एक सीध में लगाना। और फिर आपको यहाँ पे जो ये चाल है, जो ये हमारा जो ट्रेड है, इसको ट्रेड बोला जाता है। तो ये ट्रेड आपके 10 इंची का होना चाहिए, मिनिमम 10 इंची का। तो ट्रेड को छोड़ के आपको 10 इंची के बाद में आप फिर आपको 7 इंच की इस प्रकार से ठोकर ठोकर लगानी है। जो आपको जो राइजर है वो आपको 7 इंच रखना है। तो इसको ठोकर भी बोला जाता है और इसको राइजर भी बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें इसके अंदर 7 इंच की सीढ़ियां लगाएंगे हम, तो इसके अंदर तकरीबन 14 सीढ़ियां आएगी। आपको मैंने राउंड फिगर में बताया था अच्छे से जोड़ बाकी करके। तो इस सीढ़ियों का वीडियो में नहीं बना पाया फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल इश्यू था, तो उसके कारण मैं आपको वीडियो का बनाते समय आपको वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आगे जब मैं सीढ़ियाँ बनूंगा ऊपर, तो अभी इसकी सीढ़ियाँ रह रही हैं, तो उस टाइम मैं आपको इसकी वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि जो जो आपको यहाँ पे चाल है, जो इसकी राइजर है, इसकी जो उठोकर है, वो आपको 7 इंच रखनी है। क्योंकि वो आपको पहले कैलकुलेशन कर लेना है कि कितनी इंच की आपको चाल रखनी है, सॉरी राइजर रखना, ठोकर रखनी है, तो क्योंकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो आपको कुछ इस प्रकार से 7 इंच की सीढ़ियाँ रखनी है, और फिर आपको उसी प्रकार से फिर वापस आपको यहाँ पे 10 इंच की चाल रखनी है, फिर आपको 7 इंच की हाइट देनी है। तो इस प्रकार से आप जैसे ही ऊपर तक जाओगे तब सीढ़ियाँ आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी डाउट हो सीढ़ियों से लेके, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।